Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 6. हीट एंड टेम्परेचर लेट्स बिगिन अगर मैं आप सबसे ये बात पूछूं कि इन ऑब्जेक्ट्स में से कौन सा ऑब्जेक्ट्स हॉट है और कौन सा कोल्ड है तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे कि बहुत ही आसान है ये तो हम देख के ही बता देंगे यहाँ तेल में कुछ फ्राई हो रहा है यानी ये तेल गर्म है हॉट है या चाय के कप में से भाप आ रही है यानी चाय गर्म है आइसक्रीम है ये ठंडी होगी राइट यानी आप कहेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख के बता देंगे कौन सा हॉट है कौन सा कोल्ड है अगर ऐसा है तो इनके बारे में भी बता दीजिए कि आप बता सकते हैं कि ये फ्रूट्स ठंडे हैं जो फ्रिज से निकाले गए हैं या गरम है या या स्लाइटी ठंडे हैं या पिज़ा गरम है या ठंडा हो चुका यह है खाना क्या आप देख के बता सकते हैं नहीं नहीं बता पाएंगे चलिए दूसरा मेथड ट्राई करते हैं आप कहेंगे कि हम छू कर बता देंगे टच करके बता देंगे हम फ्रूट्स को टच कर लेंगे और बता देंगे कि फ्री कि फ्रीज से निकाले ये ठंडे या नॉर्मल टेम्परेचर जैसे हैं ठीक है हम मानते हैं कि अभी तक हम हैंड से छू कर किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता देंगे कि ठंडा है या गर्म है तो फिर ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे एक कंटेनर में ठंडा पानी लीजिए और दूसरे कंटेनर में गर्म पानी लीजिए और एक तीसरा कंटेनर लीजिए जिसमें गर्म और ठंडा पानी का मिक्सचर है आप आपको ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है इतना लेना है जितना आपका हाथ सहन कर सके आपको इतना ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं लेना ओके आपने ठंडा हाथ में ठंडा पानी डाल दिया कोल्ड वाटर में उसके बाद दूसरा हाथ भी डाल दीजिए हॉट वाटर में पाँच मिनट तक दोनों हाथों को ऐसे ही रहने दीजिए फिर दोनों हाथों को निकाल दीजिए फिर आप इस पानी में डाल दीजिए आपको लगेगा जो हाथ आपका कोल्ड वाटर में था उसको ऐसे फीलिंग में आएगी कि ये पानी जो है गर्म है जो हाथ गर्म पानी में था उसे ऐसे लगेगा कि ये पानी ठंडा है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मान लीजिए ये हाथ था ठंडे पानी में उसको ठंडे पानी में रखा काफ़ी हद तक का, बहुत ठंडा हो चुका है जैसे ही उसको थोड़े गर्म पानी में डालेंगे तो उसको ठंडे और गर्म के मिक्सचर में तो आपको ऐसा लगेगा कि पानी बहुत ही गर्म है और ऐसे ही और हॉट वाटर में था वो काफ़ी गर्म हो चुका है पाँच मिनट में जब आपने उसे निकाला और उसे ऐसे पानी में डाला है तो कम गर्म था मिक्सचर था कोल्ड और गर्म का तो आपको लगेगा ये ठंडा है आपको ये पता गया कि हमेशा टच करके कि हमेशा हाथों से हम एग्जैक्टली exactly आइडिया नहीं लगा सकते कौन सा गर्म है कि ठंडा है ये तो स्पेशल केस हो गया बाकी सब केसेस में तो हम हाथों में छू के बता ही सकते हैं कि ठंडी है कि गर्म है तो ठीक है आप इनके बारे में बता लीजिए क्या आप बता सकें आप बता सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा हॉट कौन है आप छू के बताएंगे दैट्स नॉट पॉसिबल अगर आप इन सब को छूएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा राइट और देख कर तो वैसे भी नहीं बता सकते हो तो ये भी समझ आ गया कि हर जगह छू कर भी नहीं बताया जा सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है कि, कि या कितना हॉट है और कितना कोल्ड है या बहुत ज़्यादा ठंडा है बहुत ज़्यादा हॉट है ये आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो छू के तो हमें क्या समझ में आ गया कि हैंड जो है हमारा इट इज़ नॉट अ रियलेबल मैथड ऑलवेज़ ये जज करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है कभी कभी आप बता पाएंगे कि हमेशा नहीं बता पाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है कोल्ड है छूकर ऐसे क्यों है पहली बात के सारी चीज जो को छू नहीं देख सकते हैं कोई बहुत गर्म भी हो सकती है जिससे हाथ जल जाएगा ठीक है इससे दूसरी बात ही इससे आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा छूकर आप ये नहीं जान पाए कितनी ज़्यादा गर्म है या ठंडी है आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा दूसरी बात कभी कभी आपको ये धोखा भी दे सकती है जैसे पानी वाले एक्सपेरिमेंट हुआ जैसे ये ठंडा और गर्म का मिक्सचर था पर एक हाथ को ऐसा लगा कि ये बहुत ठंडा है एक हाथ को ऐसा लगा कि बहुत गर्म है तो ये है, ये जो हैंड है रिलायबल मेथड नहीं है टच करके जानने के लिए कि ऑब्जेक्ट हॉट है कोल्ड है तो ठीक है तो हमें एक रिलायबल मेथड बता दिए जिससे हमें पता चले कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है तो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है थोड़ा सा ठंडा है या तो कोई एक मेथड बता दीजिए जिससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिले चलिए हम ऐसा मेथड ऐसा मेथड बताएं इसे समझने के लिए आप पहले इस मेथड को सीख लीजिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से गर्म हो जाता है जैसे आपने मिल्क या दूध को उबलने रखा और गैस ऑन कर दी आपने गैस ऑन कर दी यानी आपने उसको हीट प्रोवाइड की आप देखेंगे कि मिल्क का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इसकी वजह से वो गर्म होगा ठीक है अब उसके बाद गैस को आप ऑन ऑफ कर दीजिए जब आप हीट का सोर्स रिमूव कर दिया तो अल्टीमेटली क्या होगा दूध का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा तो वो ठंडा हो जाएगा यानी कि हीट से प्रोड्यूस होता है टेम्परेचर इफेक्ट जब भी हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वह गर्म हो जाता है जब हम सब्सटेंस को हीट से हटाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और वो कोल्ड हो जाएगा तो हम ये बात समझ गए कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना है कि हॉट है या कोल्ड है तो हम उसका टेम्परेचर चेक कर लेंगे वेरी सिंपल तो उससे पता चल जाएगा कितना गर्म है कितना ठंडा है और एक्यूरेटली किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या कोल्डनेस का पता लगाना है तो उसका टेम्परेचर चेक कर लीजिए आपको ए, हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा टेम्परेचर क्या है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड इज टेम्परेचर तो इससे ये भी पता होना चाहिए कि टेम्परेचर चेक करते कैसे हैं तो चलिए देखते हैं टेम्परेचर मेशर किया जाता है एक डिवाइस जिसे हम कहते हैं थर्मोमीटर दो कॉमन तरह के थर्मोमीटर हैं जो हम यूज़ करते हैं एक है क्लिनिकल थर्मोमीटर दूसरा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जो हम घर में यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर मेशर यूज़ करने में जब कभी भी बुखार आया होगा तो आपने थर्मोमीटर से बुखार चेक किया होगा उसे कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर लेबोरेटरी थर्मोमीटर वो है जो लैब में यूज़ किया जाता है किसी भी लिक्विड या किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेक किया जाता है तो हम उसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर से चेक करते हैं अब हम दोनों थर्मोमीटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे शुरू करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर से ये एक क्लिनिकल थर्मामीटर है जो आप ने देखा होगा कि कभी ना कभी ये है इसकी ग्लास ट्यूब ठीक है ये है इसकी क्लास ट्यूब ये जो आगे है इसे हम कहते हैं बल्ब बल्ब है थर्मामीटर का बल्ब होता है इसके अंदर होती है मर्करी यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो इस तरह का सा होता है जिसे हम कहते हैं किंग आई विल शो यू इस तरह से होगा आ, घर में जो थर्मामीटर पड़ा होगा आप उसे ध्यान से देखना उसको हम किंग कहते हैं अगर आप इनको नंबर सीट करेंगे तो थर्टी फाइव से लेकर फोर्टी टू तक जाएगा थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन फोर्टी टू सो ऑन ये जो टेम्परेचर दिया गया है वो डिग्री सेल्सियस में दिया गया है ये था थर्मोमीटर्स के पार्ट्स ग्लास ट्यूब है मर्करी है बल्ब है यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस है उसको किंग कहते हैं और यहाँ पे जो है रेंज है थर्टी फाइव टू फोटी टू होता है कुछ में सेल्सियस और फेराइट दोनों में ही रीडिंग दी 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 गई होती है जैसे नीचे फेरहाइट स्केल में दी गई होती है जिसमें नाइन्टी फोर डिग्री से वन हंड्रेड एट डिग्री तक दी जाती है पर इंडिया में हम सेल्सियस स्केल में ही टेम्परेचर देखते हैं चलिए तो ये है, ये है हमारा क्लिनिकल थर्मीटर थर्टी फाइव डिग्री से फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस है अगर हम इसके बीच के डिविजन्स काउंट करेंगे जैसे कि थर्टी फाइव और थर्टी सिक्स के बीच में डिविजन काउंट करेंगे तो यू विल फाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसका मतलब है क्या हुआ कि हर डिवीजन की क्या वैल्यू है पॉइंट वन डिग्री सेल्सियस तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि थर्मामीटर थेंप, थेंप, काम कैसे करता है ऐसे कैसे होता है कि हम इसे मुंह में डालते हैं जीप के नीचे रखते हैं दो मिनट बाद निकालते हैं तो आपको आपकी बॉडी का टेम्परेचर पता चलता है ऐसा क्या है इसमें तो इसलिए होता है जब आपने थर्मोमीटर लिया और अपने ठंग के नीचे रखा दो मिनट तक तो क्या होगा आपकी बॉडी की जो हीट है अगर आपका टेम्परेचर हाई है बॉड तो काफ़ी हीट है आपकी बॉडी की जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी इस बल्ब में इसको टंग के नीचे रखते हैं जिसमें बल्ब है तो उस आपकी बॉडी की जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी इस बल्ब के अंदर होती है मरकरी <coughs> मरकरी की प्रॉपर्टी होती है जब भी उसे हीट मिलती है तो एक्सपेंड करती है यानी उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है तो आपकी बॉडी से हीट गई बल्ब में बल्ब से जाएगी मरकरी में जो इसके अंदर प्रेजेंट है मरकरी क्या करेगी वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाएगी फैल जाएगी एक्सपेंड करेगी अब यहाँ तो जगह है नहीं फैलने के लिए तो ऊपर ही होती है ट्यूब सी ये जिससे आपको टेम्परेचर पता चलता है तो मरकरी यहाँ पे राइज होना शुरू हो जाती है यहाँ पे जो ब्लैक कलर जो यहाँ से गई है तो मरकरी जो है राइज होना शुरू हो जाएगी तो आपको आपका टेम्परेचर बता देगी यानी कि जितनी भी हीट है यानी जितना आपका ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा मरकरी एक्सपैंड होगी उतनी ज़्यादा ऊपर जाएगी और आपको आपका टेम्परेचर बताएगी आई होप आप समझ गए होंगे टेम्परेचर कैसे काम करता है चलिए आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे आप इंपॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से जो हम फटाफट देख लेते हैं जैसे ये हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है जैसे हम पढ़ चुके हैं इसमें बल्ब होता है बल्ब में मरकरी होती है इसमें किंग होता है ब, ब, होती है यहाँ देखो यहाँ पे बैंड किंग होता है बैंड होता है एक फ़ोटो में अच्छे से दिखाऊंगी उसके बाद में एक शाइनी थ्रेड ऑफ मरकरी होता है जो आप देख रहे हैं जो मरकरी राइज कर रही है जिससे हीट ये थर्मामीटर को मिली है जो रेंज ऑफ टेम्परेचर देखेंगे तो सेल्सियस में देखेंगे तो थर्टी फाइव से फोटी टू है और अगर फैराहेट में देखेंगे तो नाइन्टी फोर से वन हंड्रेड एक एक डिग्री के बीच में टेन डिविजन्स होते हैं हर एक डिविजन की वैल्यू आगे बढ़ती है बढ़ती है और और सारे पॉइंट्स हम देख देखें उसमें दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक है कि क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है थर्टी फाइव से फोर्टी डिग्री सेल्सियस तक और दूसरी है कि उसमें किंग होता है स्टार्टिंग में बैंड होता है ये पॉइंट को डिटेल में देखेंगे कि थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज है थर्टी फाइव से फोर्टी फाइव से क्यों होती है जो एवरेज टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस होता है आपको ये बात पता होगी अगर आपके घर में थर्मोमीटर तो आप टेम्परेचर चेक करके देख सकते हैं नाइन्टी एट पॉइंट होगा थोड़ा ऊपर नीचे चलता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली ना थर्टी फाइव से नीचे जाता है ना फोर्टी टू से ऊपर जाता है इसीलिए हमने क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज है वो चूज़ कर लिया है अब हम देखते हैं कि थर्मामीटर में किंग और ये बैंड क्यों होता है ये किंग इसलिए होता है कि ताकि थर्मामीटर को अपने मुंह से बाहर निकालें जो दो मिनट तक आपने टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं तो मरकरी जो इस वजह से राइज़ हुई थी से हीट मिली थी राइट तो राइट हीट मिलती है तो मरकरी एक्सपेंड होती है और टेम्परेचर राइज हो जाती है और एक्सपेंड हो जाती है जब आपने मुँह से उससे बाहर निकलता तो उस तो 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 हीट का सोर्स रिमूव हो गया ताकि मरकरी दोबारा से वापस न चली जाए अगर नीचे चली गई तो आपको कैसे पता चलेगा कि बॉडी का टेम्परेचर क्या था इसीलिए थर्मामीटर में इस तरह की किंक होती है जो प्रिवेंट करती है फ्लो ऑफ मर्करी बैक टू बल्ब इस बल्ब को दोबारा वापस से मर्करी फ्लो ना कर जाए बिना हमारे रीडिंग लिए जब तक हमारी रीडिंग नहीं ली है इसीलिए किंग प्रेजेंट होता है इससे हमको मिलती है एक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग अपनी बॉडी की आगे बढ़ते हैं ये कुछ स्टेप्स दिए हैं कि थर्मामीटर कैसे यूज करते हैं वैसे मैं मानती हूँ कि आपको सबको ये स्टेप्स पता ही होंगे तो थर्मामीटर को पहले वॉश करते हैं सबसे पहले यूज़ करने से पहले वॉश करते हैं फिर उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से करना चाहिए अगर नहीं है तो क्लीन वाटर से करते हैं उसके बाद हमेशा टेम्परेचर लेने से पहले शेक करते हैं उसको थोड़ी सी जर्क्स देते हैं ताकि उसका जो टेम्परेचर थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस तक आ जाए यानी कि ऐसा इसलिए करते हैं कि सपोज कि किसी ने उस थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक किया था और उसका बॉडी का टेम्परेचर थर्टी एट डिग्री सेल्सियस अगर आप बिना उस जर्क दिए हुए मर्करिकल लेवल नीचे उतारे बिना उतारे बिना तो वो उतरे जर्क दिए बिना उतरेगा नहीं जो किंग होती है जो प्रिवेंट करती है मर्करिकल लेवल को नीचे आने से अगर उसका टेम्परेचर नीचे नहीं उतारो ऐसे यूज़ किया तो आपका टेम्परेचर का ज़्यादा बताएगा क्योंकि वो ऑलरेडी थर्टी एट डिग्री से स्टार्ट हुआ है इसीलिए हम सबसे पहले उसे जग करते हैं उसका जो लेवल है वो नीचे उतार देते हैं उसके बाद उसको क्या करना है टंग के नीचे रखना है एक दो मिनट्स के लिए उसके बाद उसको बाहर निकालना है और थर्मामीटर से और बॉडी टेम्परेचर की रीडिंग लेनी है उसकी रीडिंग लेने के लिए अलोंग द साइड रखते हैं आँखों के सामने थर्मामीटर को रखने हैं उसको बाद मरकरी का लेवल चेक करना अगर आपको मरकरी की लेवल नहीं दिखाई दे रही है तो, तो थोड़ा थोड़ा आप रोटेट करेंगे तो आपको दिखने लगेगी ये तो हो गया कि हाउ टू यूज़ थर्मामीटर थर्मामीटर को यूज़ करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस भी करने पड़ते हैं वो इस प्रकार से हैं आपको थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले वॉश करना है पहले और बाद में हमेशा उसको देखना है कि मरकरी का लेवल जो है वो थर्टी फाइव डिग्री से नीचे हो उसके बाद आप आपको जब भी रीडिंग लेनी है तो लेवल ऑफ मरकरी है वो उसको देखना है उसके आपको आँखों के सामने देखना है तब तो उसको रीडिंग लेनी है तो थर्मामीटर को थोड़ा केयर के साथ हैंडल कीजिए कभी भी थर्मामीटर को उसके बल्ब से मत पकड़िए बल्ब आगे वाला पोर्शन होता है उसको हमेशा ग्लास ट्यूब से पकड़िए जब उसमें रीडिंग लेने क्योंकि ऐसा क्यों क्योंकि उससे आपके हाथों की हीट भी ट्रांसफ़र हो जाएगी बल्ब में और आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी ओके थोड़ी और प्रिकॉशंस हैं या डोंट्स कह लीजिए जो आपको कभी नहीं करना है क्लिनिकल थर्मोमीटर को लेके क्योंकि क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर तो सिर्फ ह्यूमन टेम्परेचर मेजर करने के लिए बना है उसकी जो रेंज है तो थर्टी फाइव से 42 टू डिग्री सेल्सियस होती है तो क्लिनिकल थर्मोमीटर थर्मोमीटर को किसी और चीज़ का टेम्परेचर मेजर करने के लिए नहीं करना है हम उसे ह्यूमन बींग के टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर से बॉइलिंग वाटर चेक करती हूँ आपको पता है कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस so, जैसे ही आप उसका टेम्परेचर लेने लगेंगे बहुत सारी हीट थर्मोमीटर में ट्रांसफ़र होगी बल्ब में जो मरकरी है जो ज़्यादा है एक्सपेंड होगी और और थर्मामीटर में इतनी स्पेस ही कहाँ है क्योंकि उसकी रेंज तो सिर्फ थर्टी फाइव से 45 फाइव है तो उतनी स्पेस है जो राइस करने के लिए अल्टीमेटली वो हो क्या होगा इट विल ब्रेक द थर्मामीटर। ओके